वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हैं मेरा ये अगला ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पे रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ा सा आए हैं, और ये रहा हमारे सारे टीम जो ये सब लोग का बदौलत से हम लोग यहाँ पे आज ये काम करने के लिए सक्सेसफुल हो रहे हैं। फाइनली आगे भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, जितना हो सके गरीबों की मदद करना ये तो हम लोग का फ़र्ज़ है, करना चाहिए। अभी डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम है, अगर ये सही से हो जाए और अगर इसमें से हमें थोड़ा बहुत सही वाइब मिल गया तो आगे भी करने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग। बस तो अभी हम यहाँ पे दुकान में जाकर थोड़ा चावल, थोड़ा दाल, एक तेल का पाउच, एक नमक का पैकेट और एक साबुन यहाँ हमने खरीदा। अभी हम इनको घर में ला के अलग अलग करके कैरी बैग्स में पैक कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे सारे दोस्त लोग यहाँ पे काम करते हुए, ये सब बहुत मेहनती है, बहुत सारे काम इन्होंने किया। तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं और ये हमारे कुछ सामान जो हम लोग लेके जा रहे हैं। और तो ये रहा हमारा शोहिदुल, जाते वक्त मेरे को याद जरूर करना। याद तो हमेशा रहता है। अब रोना आ जाएगा यार। ये आइटम अच्छा रहा तो आगे भी और करने के लिए ट्राई करेंगे हम। बिल्कुल, हमारी कोशिश जारी रहेगी। यहाँ हमने छोटे बच्चों के लिए दूध के पैकेट्स और कुछ चॉकलेट्स भी लेके आए थे, क्योंकि बच्चों की मात्रा यहाँ पे बहुत है। परिवार सिर्फ 30 हो सकता है लेकिन यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा दूध, थोड़ा चॉकलेट्स और बाकी परिवारों के लिए चावल दाल, वो तो आपको मैं दिखा ही दिया हूँ ऑलरेडी। और आप लोग भी ऐसे मदद किया कीजिए, लोगों की मन को बहुत शांति मिलेगा, बहुत हल्का फील होगा आपको, जैसे आज हमने किया। आज हम बहुत ज़्यादा मतलब शुक्रगुजार है ऊपर वाले की कि हमने इस तरह का एक छोटा सा रिलीफ पूरी तरह कर पाए।